अतिरिक्त जिलापालंकु गुहारी परे फेरी पाइले टंका लांच कारबार कुमर खोलीथिले आदिवासी महिला तिमी पुसेका उच्च अधिकारी को लांच दियाजिव कही 6500 टंका नहीं जाते दुई कर्मचारी। कनक न्यूज रे दूति कहले मनर कथा कहले समलिंगी संपर्क रे जैविक संतान संभव नथिबारु आईवीएफ माध्यम रे किंबा ग्रहण करिते पोष्य संतान तांको बापा और साथी मोनालिसांको मां डाकिबो संतान। झारसुगुड़ा काले गणति पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था 253 बुथ थी 14 टी टेबुल हेब मोट 19 राउंड गणति स्ट्रांग रूम रे ईवीएम एवं वीवीपैट मेसिन। प्रभाव पड़ा सीबीएसई दशम परीक्षा फल 5.93% आज द्वादश परीक्षा फल प्रकाश 87.33% परीक्षा देते 16,90,000 छात्र छात्री। केन्द्रापड़ा को फेरिले सांसद अनुभव महांती विजयी नेतांक एकाठी बसी कले आलोचना कहले दीर्घ 4 वर्ष धरी फैमिली फिल्म देखुंट एथर रजरे देखिए असली फिल्म। पवित्र भौणी तिथि परंपरा मुताबक रथखड़ा को विजय है आज्ञामाल तीन रथ में संजोग है चक अख नलचंचल रथखड़ा आज बड़दंड में ढड़ा हे तीन रथ। प्रकाश पाई सीबीएसई दशम रेजल्ट यार भितर जो सूचना सामनाक आसू सीबीएसई दशम रेजल्ट जो प्रकाश पाई कह पास तार 93.13% रही वेबसाइट रे परीक्षा फल उपलब्ध होती सीबीएसई दशम रेजल्ट प्रकाश पाई वेबसाइट मध्यम छात्र छात्री माने परीक्षा फल जापारे result.cbse.nic.in रेजल्ट उपलब्ध होती cbseresults.nic.in रेजल्ट उपलब्ध होती छात्र छात्री अभिभावक माने जापारे वेबसाइट मध्यम सीबीएसई दशम पास 93.12% रही गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष पास हार किंतु कमी गत वर्ष पास हार अधिक रही एथरक पास हार कम रही सीबीएसई दशम रेजल्ट प्रकाश पाई वेबसाइट माध्यम छात्र छात्री मैंने परीक्षा फल जापारे जहाँ कह गत वर्ष अपेक्षा एवर्ष पास हार कि कम रही result.cbse.nic.in रेजल्ट उपलब्ध होता सहित सीबीएसई result.nic.in रेजल्ट उपलब्ध होती छात्र छात्री माने एही वेबसाइट माध्यम से रेजल्ट जापारे दशम पास हार रोच 93.12% वर्तमान समय बड़ सूचना छात्र छात्री माने उत्साहित अच्छा जो रेजल्ट बाहरी छात्र छात्री माने परीक्षा रे भल करेक् काटि सेलिब्रेट कर चित्र आसूसी विभिन्न स्कूल परिसरु सीबीएसई स्कूल परिसरु चित्र सामना को आसूसी सीबीएसई दशम परीक्षा जहाँकि जीवन एक गुरुत्वपूर्ण परीक्षा एवं ए गुरुत्वपूर्ण परीक्षा जितेबाला छात्र छात्री माने भल मार्क रखी पास करेलिब्रेसन कर देखा मिलूँ आप देखिपुट अनेक छात्र छात्री केक् काटुंट परीक्षा फल जो भल हो निज अंदाज सेलिब्रेट कर सीबीएसई दशम रेजल्ट प्रकाश पाई result.cbse.nic.in परीक्षा फल प्रकाश पाता सहित सीबीएसई result.nic.in परीक्षा फल प्रकाश पाँच सीबीएसई दशम पास हार रोच 93.12%। अधिक आलोचना करने देवाशीष सासमलाम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ देवाशीष सीबीएसई रेजल्ट प्रकाश पाई दशम श्रेणी यार भितर जहाँ कह गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष पास हार कमी कि छात्र छात्री मैंने उत्साहित अच्छा आप देखिपुट के सेलिब्रेट कर परीक्षा फल प्रकाश पाई जहाँ कह 93.13% रोच पास हार अपडेट कौन रोच के छात्र आगे अच्छा छात्री आगे अच्छा देखो तो निश्चित रूपे सीबीएसई द्वादश श्रेणी रेजल्ट किसी समय पूर्व प्रकाश पाई वर्तमान सीबीएसई दशम श्रेणी रेजल्ट प्रकाश पाई देखा गले भुवनेश्वर रिजन कथा जी आम कह भुवनेश्वर रिजन में तीनोटी राज्य रोचोटी राज्यर जो फलाफल रही फलाफल अत्यंत उत्साहजनक रही 93.64% रही भुवनेश्वर रिजन फलाफल तेनाली निश्चित रूप में कह जदि देखा गले सर्वभारतीय स्तर में जदिव फलाफल किसी कम देखा मिली किंतु वर्तमान जदि देखा भुवनेश्वर रिजन कथा देखा निश्चित रूपे फलाफल बहुत भल रही अंपटे जदि आम कह बर्तमान सुधा
जना पड़ी ना जे भुवनेश्वर ओडिशा क्षेत्र में केते रही फलाफल ताकि समय पर जदि जना पड़ो किंतु जहां आम प्राथमिक सूचना पाचु विभिन्न इंग्राजी मीडियम स्कूल सहित कथबार्ता हो फलाफल बहुत भल रही कोविड परवर्ती सिचुएशन रे परीक्षा होता है परीक्षा कि भाव में छात्र छात्री गोटे बड़ माइलस्टोन रही है तेणु निश्चित रूपे जेहेतु कोविड परवर्ती समय रे परीक्षा ताकूपाई अति साहसिकतार से परीक्षा उत्तीर्ण होते देखा गले परीक्षा फलाफल जो भल रही वर्तमान प्राथमिक सूचना जहां मिलू किंतु जहां भी रही किए अधिक नंबर रखी ओडिशा प्रांतर किए भल कर छात्र छात्री संख्या आउ कि समय पर संपूर्ण बरणी आसीज किंतु जहां भी प्राथमिक सूचना रोच छात्र छात्री मैंने बहुत भल प्रदर्शन कर सौम्या निहत भाव में छात्र छात्री मैंने खूब भल प्रदर्शन करते सीबीएसई दशम परीक्षा फल प्रकाश पाई छात्र छात्री मैंने खूब उत्साहित अच्छा किंतु कोविड परवर्ती समय जो छात्र छात्री परीक्षा देखने परीक्षा कृतकार्य करक शिक्षक शिक्षयत्री छात्र छात्री समस्ते खुशी अच्छा कि देवाशिष जानवापी चाहिए कि चलित बर्ष झील मैंने बेस भल कर पुओ मैंने बेस भल कर अर्थात आगे किए रोच छात्र ना छात्री देखु बर्तमान जहां आकलन रही सीबीएसई रो भि भाव देखा गले फलाफल प्रकाश पाई निश्चित रूप से झील मैंने जदि आगुआ रही कि देखा गले सर्वभारतीय स्तर में झील मैंने आगुआ रही कि भुवनेश्वर रीजन कथा कहतु किशा प्रदेश कथा कहतु यह फलाफल बर्तमान सुधा संपूर्ण आसी ना कि देखा गले समग्र देश में जो भाव लक्षाधिक छात्र छात्री परीक्षा देशार द्वादश और दशम मिसाई 45,000 छात्र छात्री परीक्षा देखते से दशम प्राय 30,000 रु 35,000 छात्र छात्री परीक्षा देखते भितर जहां भी रेजल्ट रही रेजल्ट संपूर्ण बरणी बर्तमान आम हस्तगत होना आउ कि समय पर हस्तगत हो किंतु वर्तमान जहां रही झील मैंने आगुआ रही सूचना रोचे सौम्या निहत भाव में देवाशिष जो सूचना आपड़ रखुंट छात्री मैंने आगे थी सूचना प्रारंभिक भाव में हस्तगत हो किंतु संपूर्ण बरणी आसवा पर ही प्रकृत तथ्य सामना को आसो व प्रकृत तथ्य जमापड़ यार भर जो सीबीएसई दशम बोर्ड एग्जाम रेजल्ट बाहर छात्र छात्री मैंने खूब उत्साहित अच्छा निज निज भितर केक् काटुं खुशी मनाऊँच चित्र आसूसी देवाशिष आप देखु कोविड परवर्त समय एग्जाम कर छात्र छात्री अनेक गुरुत्वपूर्ण दशम बोर्ड परीक्षा यार भितर जो कोविड परवर्त समय छात्र छात्री मैंने प्रिपेरेसन करते सेमाने एग्जाम देते परवर्त समय रेजल्ट बाहरी गत वर्ष तुलन में ए वर्ष रेजल्टर हार टे कमी जा पचरें कारण कौन हो पाए जेहेतु कोविड रही है और तार भितर छात्र छात्री मैंने परीक्षापी प्रिपेयर करते परीक्षा देते सी एक कारण रोचे कि जो चलित बर्ष अपेक्षा ए वर्ष हार टे कमी जा हाँ देखो सौम्या निश्चित रूप कोविड समय रे जिते परीक्षा होता है तार मूल्यायन विकल्प मूल्यायन हाथ को निर्देशी विकल्प परिस्थिति मूल्यायन करेणु निश्चित रूपे छात्र छात्री मूल्यायन अधिक रही तेणु वर्तमान जो भाव देखा गले संपूर्ण पेन एंड पेपर रही जहाँकि रही असेसमेंट टेस्ट जो गुड़ा रही पूरा आम कहीपर जो भाव में छात्र छात्री मैंने जहां लिखी से अनुजाई से माने उत्तर पाई तबे असेसमेंट जो भाव गत थर होता कोविड समय होता चलित थर होने एक प्रमुख कारण रनपटे देखा गले कि मात्र आज जिते आम द्वादश श्रेणी रेजल्ट प्रकाश पाई तार परवर्त समय छात्र छात्री प्रतिक्रिया नेतृत्व छात्र छात्री मैंने निजर प्रतिक्रिया रखुते मैथमेटिक्स टफ क्वेश्चन रही द्वादश में जो भाव टफ क्वेश्चन रही अनुरूप भाव में मैट्रिक बा टेन्थ रो रही सीबीएसई दशम बोर्ड परीक्षा रही छात्र छात्री मन में गोटे प्रकार संशय रही कारण जहां कि रही सीबीएसई दशम परीक्षार मैथ मैथमेटिक्स टफ क्वेश्चन रही है छात्र छात्री मैं आलोचना दशम रेजल्ट प्रकाश पाई यार भितर छात्र छात्री मैंने खुशी अच्छा रेजल्ट जो भल हो किंतु चलित बर्ष गत वर्ष अपेक्षा रेजल्टर हार टे कमी जाइए बहुत बहुत धन्यवाद देवाशिष आपण तमाम आलोचना।
वर्तमान समय ओटीएम स्कूल परिसर में आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सिंपल नायक। सिंपल आपंठर जानवापी चाहिए आपड़ ओटीएम स्कूल परिसर में उस्थित अच्छा छात्र छात्री मैंने आपंप पचपटे ठिया होती कौन रोचे रियाक्शन जो सीबीएसई बोर्ड रेजल्ट बाहरी के खुशी अच्छा छात्र छात्री और टीचर्स मैंने रोचा निश्चित भाव आप देखिए समस्त अपेक्षा था सीबीएसई टेन्थ जो रिजल्ट रही अपेक्षा था वर्तमान समय अपेक्षार अंत घटी रिजल्ट बाहरी सारी ये गोटे सेलिब्रेशन मुहूर्त वर्तमान समय कह जाए परे ओडीएम स्कूल परिसर में आम रही वर्तमान समय आप देखते रही छात्र छात्री से प्रतिक्रिया ना चेस्टा करवा कौन कह के कौन आशा था कौन रिजल्ट है ये रिजल्ट को लेकिन आपं मतामत मोर 96.8% आसी मोर टे आशा थी कि आगे अधिक आसपा 97% ऊपर भी रखापी बट किसी ना जी परिश्रम करी से आसला खुशी अच्छी बट आगे एक्सपेक्टेसन अधिक था आई विल ट्राए बेस्ट इन द 12th क्लास शुणुते जो रही छात्री प्रतिक्रिया रखुते विशेषकर आउ जो छात्री प्रतिक्रिया रखा नहीं नहीं आपन का आशा कौन रही जेहतु रिजल्ट आसी चलित बर्ष जो ढांचा थी कि एग्जाम देते दूर आशा नहीं मोर तो आशा था कि मोर ए 95 अबव अच्छी कि जानी कौन है बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट शुणुले प्रतिक्रिया जे वर्तमान परिस्थिति आप देखिए सेलिब्रेशन मुहूर्त जे ओडीएम स्कूल चेयरमैन रही पिला मिठा खुआ कौटना कौट कहपे समस्ते अपेक्षा करजल्ट समय को जेहेतु समस्ते परिश्रम कर तेणु विशेषकर जेहेतु टेन्थ सीबीएसई रिजल्ट बाहरी तेणु आनंदर उल्लास सहित वर्तमान समय या सेलिब्रेट कर मिठा खाई सेलिब्रेट कर छात्र छात्री एठार तबे प्रतिक्रिया नवा केमती कौन देखुं बर्तमान आप प्रतिक्रिया कौन एबे तो मु बहुत खुशी अच्छी कहीं एति भल रिजल्ट आईटा पाई बहुत परिश्रम करी से बहुत खुशी लगुच हाँ मैंने पूरा सब्जेक्ट वाइज तो जानी किंतु जो हिसाब से परीक्षा देता मो एस एस टी अधिक भल कर मैंने जितकी भल हो साइंस रे भी आउ भल कर तो हिसाब से आउरी बढ़ी पार था तथा ठीक अच्छे आउ गोटे कथा अच्छी जेहेतु वर्तमान परिस्थिति रे समस्त गोटे नजर थे आपठपढ़ा उपते समय परिश्रम करुले स्कूल के समय रोते घर के समय पढ़ुते जो रिजल्ट आसला से आधार आज्ञा हाँ मो स्कूल तो देखा गले आप छ घंटा आड़े रोली सन्ध्या ट्यूशन दि घंटा आपरे घरे घरे मैक्सिमम छ घंटा पाठपढ़ा होता छ घंटा पाठपढ़ा होता घरे आमती छ घंटा स्कूल दि घंटा ट्यूशन टीचर मान गाइडेंस के देखते विशेषकर जेहतु सीबीएस पैटर्न पढ़ुंट कन्फिडेंट लेवल आज्ञा बहुत भल आम स्कूल टीचर मान गाइडेंस बहुत भल निश्चय भी थैंक यू कह चाहिए मोर मार्क रही जो रही प्रतिक्रिया ना जे आपणकर केते परसेंट रहिला 99.2% आपण एते सटिस्फाइड आई मीन एक्सपेक्टेशन 99% अबव थिला तो 99.2% आई एम हैप्पी विथ इट अच्छा को सब्जेक्ट रे कोन का आपणकर भलो रहिला एक्चुअली आई हैवंट चेक द डिटेल रिजल्ट राइट नाउ आई हैव ओनली गॉटन ऑल द साइंस 100 आउट ऑफ 100 आई संस्कृत आल्सो 100 आउट ऑफ 100 अच्छा आपण आपण को otherwise 99 other another subjects and I think in English 98 नै आपन को मन भीतर भाबी कि सेंसर पढुतले जे पूरा सब सब्जेक्ट रे पूरा 100 टू 100 माने आनीबे हां एक्सपेक्टेशन था मतलब ऐसे ही पढ़ रहे थे लाइक प्रिपरेशन था 100 आउट ऑफ 100 के लिए तो बट आई थिंक सम मिस्टेक्स आई हैव मेड इन द एग्जाम दैट्स व्हाई इसमें कम हो गया बट एक्सपेक्टेशन विल बी 100 इन नेक्स्ट एग्जाम इन 12th आपन इतने परसेंट रखिले तो गोटे कथा आपन केते आउ माने परिश्रम करथिले होय त आहुरी भलो आसी परथांता त आपन ई जो परसेंट रखिले केते केमती कोन परिश्रम करथिले 10th परीक्षाटा गोटे मूल दुआ बोली कहले नै
आफ्टर स्कूल मैंने पूरा टाइम सेल्फ स्टडी को ही दिया था और मतलब आई वाज अ स्टूडियस स्टूडेंट सो मैंने पूरा टाइम मतलब स्टडी किया था. आई वाजंट इन्वॉल्व्ड इन एनी सच अदर एक्टिविटीज, ऐसे कुछ एक्टिविटीज नहीं किया. तो मतलब फुल वन ईयर फुल फोकस स्टडी पे दिया था और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, सब ने हमें बहुत हेल्प किया था इन स्कूल आवर्स, आफ्टर स्कूल आवर्स ऑल्सो. जब भी कॉल करेंगे 12 o'clock, 1 o'clock रात को जब भी कॉल करेंगे देर ऑलवेज देयर फॉर अस. तो डाउट्स सारे क्लियर हो गए थे, क्लियर हो रहे थे एंड लेफ्ट वॉज ऑन अस और हमने मतलब प्रैक्टिस क्लास टीचर हूँ तो क्या विभिन्न सब्जेक्ट टीचर हूँ समस्ते पूरा सपोर्ट करते कोर्स ठीक टाइम रे हेबा सो आपनो. हाँ, स्कूल ने बहुत सारे प्री बोर्ड एग्जाम्स भी किए थे तो ऐसे प्रैक्टिस हमारा बहुत अच्छे से हो रहा था. तो बोर्ड एग्जाम के टाइम हम इतना स्ट्रेस नहीं थे, वी वर लाइक रिलैक्स कि हाँ जैसे प्री बोर्ड गए हैं वैसे ही बोर्ड एग्जाम भी जाएगा. प्री बोर्ड जमी एग्जाम देते सही अनुसार क्वेश्चन आसला कि सेमती किसी आपको इजी है बेटर करने परीक्षार परफॉर्मेंस आ. हाँ, एग्जाम प्री बोर्ड की वजह से बोर्ड एग्जाम में अच्छा हुआ बिकॉज प्री बोर्ड में जितना लेवल ऑफ क्वेश्चन जैसा डिफिकल्टी लेवल था बोर्ड्स में इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर मोर, टाइम थोड़ा कम था तो टाइम का थोड़ा मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता साइंस में भी लेंथी पेपर था और मैथ्स में थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था इसलिए आई थिंक आई लॉस्ट वन मार्क देयर, दैट्स ऑल, अदरवाइज इट वाज वेरी नाइस. लाइक आपन इतने भलो परसेंट रखिले आपन को भलो सब्जेक्ट कौन आपन भावंती सेत्रे केते रखिया पई चेष्टा करते. साइंस में तो अच्छा मतलब साइंस में तो था एक्सपेक्टेशन कि साइंस और मैथ्स में मेरा फुल रहेगा 100 out of 100 रहेगा. हाँ, साइंस मैथ्स दोनों अच्छा होता है तो साइंस में तो 100 था, मैथ्स में आई थिंक एक मार्क कटा था 99%. अच्छा, जो अनसैटिस्फाइड की. हाँ, बिकॉज एक्सपेक्टेड मैथ्स में तो होता है एक्सपेक्टेशन कि हाँ इतना प्रिपेयर किया है तो 100% का एक्सपेक्टेशन रहता है मैथ्स में, पर नहीं एक मार्क कटा. ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଟେନ୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଦେଲେ ସେସବୁର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର. ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ସେଭଳି ଗାଇଡାନ୍ସ କଲେ ନା ଆପଣ ସେମିତି ପୁରାପୁରି ମାନେ ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ? नहीं, मेरे मम्मी तो हमेशा मेरे साथ थी, मतलब उनको सब पता था, मतलब मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ, उनको मेरे सिलेबस के बारे में उनको सब पता था. सो लाइक इट वाज लाइक इक्विवेलेंट कि मैं जितना पढ़ी मेरी मम्मी भी उतना ही पढ़ती थी मेरे साथ. तो मेरी मम्मी तो हमेशा मतलब फैमिली से पूरा सपोर्ट, पापा मम्मी सब सब उनको सब मतलब अच्छे सब सपोर्ट. इतने भले परसेंट रखिले तथापि गोटे कौन थी मन में गोटे इच्छा थी कौन करने कि कौन? हाँ, मैं नीट के लिए प्रिपेयर करना कर रही हूँ अभी, मतलब अभी 11th 12th नीट में प्रिपेयर करना है. ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି. ବିଶେଷ କରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି. ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା. ସାର୍, ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏକ୍ଜାମରେ ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତି କ'ଣ ଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରାଉ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି ଆମେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରୁ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସବୁ ଟିଚରମାନେ ଏଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି. ଇଭିନ୍ 24/7 ଯଦି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଟିଚରଙ୍କୁ, ଟିଚରମାନେ ରେଡ଼ି ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡାଉଟ୍ସ. ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 89 2 ବର୍ଷ ସେମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ତେଣୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 10th ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯେ 1 ବର୍ଷର ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ କ୍ରେଡିଟ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି ଟିଚରମାନଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟରେ ଦେ ଆର୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍. ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଉଭୟ 10th ଏବଂ 12th ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସିବିଏସ୍ଇ ପିଲାମାନେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 99% ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, 98% ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି. ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ. ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିମ୍ପଲ ନାୟକ. ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଦେଲେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର. ଭାରତରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଏକଥା ସତ ଦେଶରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ବି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି. ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳୁଛି, ଆଉ ସମଲିଙ୍ଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାରେ ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି. ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ନିଜ ଖେଳ ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦୂତି ଚାନ୍ଦ.
विशेषकर प्रेम संपर्क अधिक चर्चा साउंटी आउ यार भितरे जातीय गणमाध्यम इंडिया टुडे यार मैगजीन कवर स्टोरी रे दुती ओ तांको प्रेमिका को स्थान देछे। चित्र रे दुती निज प्रेमिका को मथारे सिंदूर देउथबा देखबा को मिलछे। ए जो सिंदूर दबार फोटो टी केवल फोटो शूट करा जाय गोटे प्रतीकात्मक फोटो ना हिंदू परंपरा अनुसार आपण जानिथिबे जदि विवाह करा जाउथि ताले मुंडरे सिंदूर दे देले मथे विवाह बोली ताको धरा जाय तो विधिवत भाबरे आपणकर विवाह हेला बोली आमे बुझिबा कि ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲରେଡି କପୁଲ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛୁ ଯୋଉଟା କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଉଟା ହୁଏ ଆମର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନୁ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥି ହେଇ ରହୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛୁ ତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଫଟୋସୁଟ ପାଇଁ ସେଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ଦେଇଥିଲି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ସେ ଫଟୋସୁଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ଦୁତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି, ଆଦି ପ୍ରତିବାଦୀ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି, ସହମତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ବିବାହକୁ ମିଳୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବିବାହକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଫଟୋଟି ଦିଆଯାଇଛି କି କଭର ପେଜ୍ରେ? ପ୍ରଥମେ କହିବା ଆମେ କାହା ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ରହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଥିରେ ଯାହାକୁ ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ପଚାରିବେ ଇଏ ତମର କିଏ ସିଷ୍ଟର ନା ସାଙ୍ଗ ନା ବାପା ନା ମା କି ଅଥରାଇଜ ଦରକାର। ଆମେ ଏବେ ଯୌବନ ବୟସ ଅଛି ଆମେ ସିନା ସେମ୍ ସେକ୍ସ ମ୍ୟାରେଜ ନ କରିକି ଆମେ ସାଥି ହେଇକି ରହିପାରିବୁ ରିଲେସନ। ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ବଢିବ ଆମେ ଆଗକୁ ରହିବୁ ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଏ ତାର କୌଣସି କାରଣ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲା ତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତ ସବୁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ କାହିଁ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତାନଟିଏ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଟି ମନର ବା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଶରୀରର ମିଳନ, ଦୁଇଟି ପରିବାରର ମିଳନ, ଆଉ ଏଠି ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର କଥା ଅଛି, ତ ଏଠି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟିର କଥା ଅଛି। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏହି ପ୍ରକାର ବିବାହରେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ତ ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦେଖ ଆଜିକାଲି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଗଲାଣି, ଅନେକ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ପରେ ସନ୍ତାନ ନ ହଉଥିବାରୁ ଆଇଭି ର ସାହାରା ନେଇକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ବେସିକାଲି ଯଦି ମୋ ବିଷୟରେ କହିବି ତ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସନ୍ତାନଟେ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କୌଣସି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ମୁଁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରେ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଇଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରୁ, ନଚେତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କରୁ କାହାର ବି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ସେ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ, କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ରହିବୁ। ତ ଆପଣ ବାପା ହେଇ ରହିବେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମା ମରିଯାଏ ତା ବାପା ହିଁ ତା ମା ବନିଯାଏ, ତା ବାପା ହିଁ ତାର ବାପା ବନେ, ତ ବାପା ଭାଇ ବି ବନେ। ତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେମ୍ ନାହିଁ କି ଯେ କଣ ନାଁ ଦେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇ ଯିଏ ଚାହିଁଲା ଭଲ ପାଇରେ ରହିଲା ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ସନ୍ତାନଟିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ଯେମିତି ବି ଆଣିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା ହେଇକି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ସେ ସନ୍ତାନର ମା ହେଇକି ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଭୟ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଓକେ, ତ କଥା ଆସେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଏକାଠି ରହିଲେ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଟିକେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ କଳହ ଥାଏ, ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଜୀବନରେ? ନା ସେମିତି କିଛି ତ ବଡ ଧରଣର ସେମିତି କିଛି ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ହେଇନି, କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଜଲସେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଯଦି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଯଦି କୌଣସି ଫ୍ୟାନ ମାନେ ଝିଅ ଫ୍ୟାନ ମୋର ମତେ ମେସେଜ କରନ୍ତି ବା ଫୋନ କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ତ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଟିକେ ଜଲସି ଫିଲ୍ କରେ। ସେଇସବୁ ତାକୁ ନେଇ ଟିକେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମର କେବେ ବି ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଆକାର ଭେଦଭାବ କିଛି ମନ୍ତ୍ରା ତ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି କି ସିଏ ବି କେବେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ କେବେ ବାଛିନି କି ମୁଁ ବି ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାଛିନୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥି ହେଇକି ରହିଛୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛୁ। 2018 ଆମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା ଆଉ 2018-2023 ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉ ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ମୋର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ତ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପରିପ୍ରକାଶ କଲି, ଘରେ ଯାଇକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ମୋ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ପରିବାର ସହିତ ବି ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଝିଅ ଘର ସମ୍ପର୍କ ବି ତା
ପରିବାର ବି ବହୁତ ଭଲ, ଏବେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଇନୁ। आसंताकाली भोट गणति सहित प्रकाश पाइब झारसुगुड़ा फलाफल। सकाल 8 आरंभ हो गणति, प्रथम पोस्टल बालट गणना हो, 8:30 ईवीएम गणना आरंभ हो। ईवीएम गणना लगी 14 काउंटिंग व्यवस्था होती, गोटे काउंटिंग टेबुले पोस्टल बालट गणना हो। 253 बुथ थ 19 राउंड गणना हो। संध्या 4:00-6:00 भितर फलाफल आसवा नहीं सूचना देखते सीओ। मतगणना को तदारख करने लगी सेन्ट्राल अब्जरभेसन उपस्थित रहेंगे। सीओं सूचना अनुसार झारसुगुड़ा स्थित इंजीनियरी कलेज मतगणना केन्द्र। काउंटिंग हम काउंटिंग एक्जाक्टली सकाल 8 बजे आरंभ करा जिवो। एवं ए काउंटिंग भेन्यू होची झारसुगुड़ा इंजीनियरी स्कूल। एवं जेहेतु झारसुगुड़ार तापमात्रा वर्तमान बहुत अधिका अच्छी, सेतिपई काउंटिंग हॉल को पूरा एयर कंडीशन करा जायची। आउ काउंटिंग हॉल को लागी कि आमर ईवीएम स्ट्रांग रूम अच्छी एका प्रेमाइसेस रे। आउ सेतिपई 14 काउंटिंग टेबल रहइबो, आमर टोटल 253 बूथ अच्छी। तेणु आमको 18 कंप्लीट राउंड आउ गोटे पार्शियल राउंड, कारण 18 × 14 है 252 253 बूथ। तेणु लास्ट राउंड रे केवल गोटे बूथर काउंटिंग करा जिवो। आउ जो काउंटिंग व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछि, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। आमर सेंट्रल पारामिलिटरी फोर्स रहिबे, स्टेट आर्म फोर्स रहिबे, एवं लोकल पुलिस रहिबे। आउ एथिरे स्ट्रिक्टली एक्सेस कंट्रोल हम। आउ आपणकर जो बंधु माने मीडिया बंधु माने झारसुगुड़ा रे मोठु पास पाइचंती, से माने काउंटिंग सेंटर मध्य को जाई परिबे। एवं कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर नियमित व्यवधान रे राउंड वारी रिजल्ट जणैबे। एठी मध्य आपण मानको मु स्वागत करूछ। आपण माने भी काली हमर जो फास्ट फ्लोर हॉल को आसीबे, सेठी भी मध्य आमे आपण मानको राउंड वाइज रिजल्ट आमे जणैबु। एवं मु आशा करूछि जे बहुत शांति श्रृंखला सहित आमर काउंटिंग संपन्न हेबो। झारसुगुड़ा रे उपनिर्वाचन रो फलाफल आसीबा को जाउछि, एवं केमिति काउंटिंग को सुरुखुरे करा जिवो तापरे नजर रखा जाउछि। एथिपई सुरक्षा व्यवस्था को खूब कड़ाकड़ी करा जाइछि, एवं एहार भितरे कोहा जाउछि कि सुरक्षा व्यवस्था जेतेबेले कड़ाकड़ी करा जाइछि, कोनोसी प्रकार अप्रीतिकर स्थिति को एडेबा पाई मध्य पुलिस प्रशासन पूरापूरी सजग रहउछि। खूब प्रेसर की प्रेसर कौन आम जानू आ प्रेसर के जीवन में जानू कि निर्वाचन रे भी नहीं। कारण झारसुगुड़ार उपनिर्वाचन ये निर्वाचन झारसुगुड़ार जनता लड़ुते, जोबले कौटी जनता निजे निर्वाचन लड़े गोटे 24 अन्यायी सरकार विरुद्ध से प्रेसर जार विरुद्ध लड़ा होता है सी थाए। निर्वाचन फलाफल आसंता काली बाहर, किंतु जहाँ आकलन अनुमान करा जाउछि साधारण जनता पक्ष कौन नर्भस हम जहाँ जनता इच्छा रहा जहाँ रहा आम समर्थन करूँ, नर्भसनेस किसी ना। आगुरी भी आपके सागर रही इलेक्शन लड़ी जितवा देखी हार देखी तो नर्भसनेस किसी ना। सेमती टिके ना टिके तो रोक मान नर्भस अच्छा बाकी किसी असुविधा नहीं। एसेसमेंट तो मुझे कहूँ आम जितु बाकी जनता इच्छा जहाँ ईवीएम मध्य अच्छी रिजल्ट कल जमापड़ जी आप।